हेलो फ्रेंड्स, अगर आप अपने मोबाइल को लेकर कहीं घर से बाहर जाते हो या ट्रेवल करते हो तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो से काफ़ी सारा फ़ायदा होने वाला है। आप जब घर से बाहर निकलते हो या ट्रेवल करते वक्त अगर आपके मोबाइल कहीं पे गिर गया है या चोरी हो गया है, तो पहले चोर आपके मोबाइल को स्विच ऑफ करने की कोशिश करता है। तो अगर आपके मोबाइल की बैटरी नॉन रिमूवेबल है तो आपके लिए ये वीडियो सुपर है, क्योंकि आपके लिए मैं एक ऐप्स लेके आया हूँ जिस ऐप्स के द्वारा आप अपने मोबाइल की पावर बटन को लॉक कर सकते हो। अगर पावर बटन लॉक रहेगा और बैटरी भी रिमूव नहीं होगा तो कोई भी आपके मोबाइल को स्विच ऑफ बिल्कुल भी कर नहीं पाएगा। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा मैं बता देता हूँ। जब तक आपके मोबाइल स्विच ऑन रहेगा, तब तक आप किसी दूसरे मोबाइल या दूसरे डिवाइस से आप खोए हुए मोबाइल की लोकेशन ट्रैक कर सकते हो थ्रू जीमेल आईडी से, और फ़ोन भी कर सकते हो, है ना कमाल का वीडियो। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी तरह मैं आपके लिए और कमाल का वीडियो ले आ पाऊँगा। चलिए, ऐप्स कैसे डाउनलोड एंड इंस्टॉल किया जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिएगा, आप उसी ऐप्स को डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर पाओगे। इस ऐप्स का नाम है लॉक्स आईओ प्रिवेंट थीव एंड डाटा लीक लॉक ऐप्स। उसके बाद आप इंस्टॉल बटन पर क्लिक कीजिए। इंस्टॉल बटन पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल की प्रोसेसिंग करना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपका मोबाइल का जो डिवाइस नेम है, ये डिवाइस नेम यहाँ पे शो करेगा, ये कंफर्म कर लीजिए। उसके बाद आप इंस्टॉल बटन पर क्लिक कीजिए। इंस्टॉल बटन पर क्लिक करने के बाद ये लोडिंग हो रहा है। हाँ, लोडिंग होने के बाद यहाँ पे गूगल का जीमेल आईडी, उसी का पासवर्ड दीजिएगा, मतलब जीमेल आईडी से आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। जीमेल आईडी का पासवर्ड दे दीजिए, मैं अपना जीमेल आईडी का पासवर्ड दे देता हूँ। इसके बाद आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए। हाँ, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, दोबारा इंस्टॉल बटन पर क्लिक मत कीजिएगा, वेट कीजिए। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, लॉक एप्स विल बी इंस्टॉल ऑन योर मोबाइल डिवाइस सून। आप ओके बटन पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पे ये इंस्टॉल हो जाएगा। आप ओके बटन पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आप मोबाइल के होम स्क्रीन पे चले जाइए, इंस्टॉल पर मत क्लिक कीजिए, डायरेक्ट होम बटन पर क्लिक कीजिए, मोबाइल को होम स्क्रीन पे चले जाइए। देखिए, यहाँ पे मेरा ये ऐप्स यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स, इस ऐप्स को ओपन कीजिए, ये ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद यहाँ पे आई एग्री विथ योर टर्म्स एंड कंडीशन एंड प्राइवेसी चेकबॉक्स पर चेक कर लीजिए। उसके बाद एक्सेप्ट बटन पर क्लिक कीजिए। एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से लैंग्वेज सिलेक्ट कीजिए, आप जनरली इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ से आप पैटर्न लॉक लगा सकते हो, पिन लॉक लगा सकते हो, और अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टरिस्टिक्स लॉक लगा सकते हो। मैं जनरली पिन लॉक लगाऊंगा, आप देख लीजिए कैसे पिन लॉक लगाया जाता है। यहाँ से आप पिन लॉक चॉइस कर लीजिए, अपना नंबर चॉइस कर लीजिए, मैं अपना नंबर चॉइस कर लेता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पे राइट साइड पे कॉर्नर पे आप एरो बटन पर क्लिक कीजिए। इसके बाद कॉन्फर्म पिन, दोबारा पिन डाल कीजिए, उसके बाद इस एरो पर क्लिक कीजिए। पिन डज नॉट मैच, यानी पिन मैचेस नहीं हुआ, इसलिए आप इस बैक बटन पर क्लिक कीजिए, फिर दोबारा पिन दीजिए। उसके बाद इस एरो पर नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। पिन सक्सेसफुली सेट हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ से बैकअप के लिए आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट कीजिए। आप किसी एक क्वेश्चन को सिलेक्ट कीजिए, इसका आंसर यहाँ पे दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट्स योर फेवरेट फूड, फेवरेट फूड यहाँ पे आंसर दीजिएगा, मैंगो या जो आपका मर्जी। उसके बाद ये सिलेक्ट करोगे तो व्हेयर्स योर फेवरेट सिटी, आप सिटी आपका फेवरेट सिटी का यहाँ पे नाम लिखिएगा। उसके बाद हु इज़ द बेस्ट सुपर हीरो का यहाँ पे नाम लिखिएगा, आंसर दीजिएगा। मैं ये सिलेक्ट करूँगा, हु इज़ द बेस्ट सुपर हीरो, मैं सुपर हीरो का नाम यहाँ पे लिख दूंगा।
नाम लिखने के बाद आप डन बटन पर क्लिक कीजिए। फ्रेंड डन बटन पर क्लिक करने के बाद ये ऐप्स आप परमिशन मांग रहा है, तो परमिशन के लिए आप जनरली गो बटन पर क्लिक कीजिएगा। गो बटन पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल की मेन सेटिंग चला आएगा, फिर स्क्रॉल कीजिएगा। स्क्रॉल करने के बाद नीचे देखिएगा लॉक आईओ लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑफ लिखा है, उसको क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे ऑन कर दीजिए उसी को। ओके, ऑन करने के बाद आप बैक कीजिए। हाँ, बैक करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्ट द पावर लॉक। एक बार पावर लॉक पर टेस्ट करके आप देख लीजिएगा ये काम करता है या नहीं। आप पावर बटन में प्रेस करके रखिए ये स्विच ऑफ होता है या नहीं। अगर काम करेगा तो इट्स वर्किंग पर क्लिक कीजिएगा, अगर काम नहीं करेगा तो नॉट वर्किंग पर क्लिक कीजिएगा। मैं पावर बटन पर प्रेस करने जा रहा हूँ, देखते हैं काम करता है या नहीं, मेरा पिन आता है या नहीं यहाँ पे। जी हाँ, मैंने पावर बटन पर प्रेस किया था, यहाँ पे पिन शो कर रहा है। पिन देना ही पड़ेगा पावर ऑफ करने के लिए, मैं पिन दे देता हूँ। उसके बाद राइट साइड में एरो बटन पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पे। जी हाँ, अभी पावर ऑफ कर सकता हूँ, मैं रिस्टार्ट भी कर सकता हूँ। चलिए, मुझे पावर ऑफ करने की ज़रूरत नहीं, मैं बैक कर देता हूँ अभी। तो ये ऐप्स मेरा मोबाइल पे सही तरह से काम कर रहा है। कोई भी आदमी अगर मेरा मोबाइल को स्विच ऑफ करने जाएगा तो पिन मारना ही पड़ेगा, कार्ड पिन देना ही पड़ेगा। तो ये ऐप्स ठीक से काम कर रहा है, तो मैं इट्स वर्क पर क्लिक करूँगा। इसके बाद आपके मोबाइल पे ये ऐप्स ओपन हो जाएगा, ऐप्स के मेन मेन्यू ओपन हो जाएगा। फिर आप पावर लॉक पर क्लिक कीजिए। पावर पर लॉक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे पावर लॉक कॉन्फ़िगरेशन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अपना सेटिंग चेंज कर सकते हो। मैक्सिमम इनकरेक्ट अटेम्प्ट थ्री टाइम्स। जब कोई आदमी थ्री टाइम्स इनकरेक्ट पिन यूज़ करेगा तो ये 30 सेकेंड के लिए होल्ड हो जाएगा और पिन यूज़ नहीं कर पाएगा। और जब तक करेक्ट पिन यूज़ नहीं कर पाएगा तब तक मोबाइल को स्विच ऑफ या रिस्टार्ट भी नहीं कर पाएगा। इस तरह आपकी मोबाइल स्विच ऑन रहेगा जब तक आप मोबाइल की पे बैटरी पे चार्ज रहेगा, और स्विच ऑन रहेगा तब तक आप किसी दूसरे मोबाइल या किसी दूसरे डिवाइस से आप खोए या मोबाइल को लोकेशन ट्रैक कर सकते हो और फ़ोन भी कर सकते हो। और फ्रेंड्स, किस तरह आप दूसरे डिवाइस या मोबाइल से अपना खोए हुए मोबाइल की लोकेशन ट्रैक करोगे और दूसरे डिवाइस से अपने खोए हुए मोबाइल को फॉर्मेट भी कर सकते हो, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए, और अगर आपको इस वीडियो को इस पर लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू गाइस।